तुम मुझे यहाँ लाना चाहते थे ना, आ गई। इसलिए नहीं कि मेरा दिल मुझे यहाँ खींच लाया है, इसलिए कि मुझ पर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तुम जवाब सुनना चाहते थे ना मेरा, वो भी हाँ में। तो हाँ, मैं तैयार हूं तुमसे शादी के, इसलिए नहीं कि तुम्हारी लगन और चाहत के आगे हार गई, इसलिए कि मरते आदमी को मुर्दार भी हलाल होता है। तुम्हारे दिल और नजर पे गलत फहमी का पर्दा है। मुझे बहुत बुरा इंसान समझती है, तो शायद इतना अच्छा नहीं हूं लेकिन इतना बुरा भी नहीं। मुझे तुम्हारी अच्छाइयों से और बुराइयों से कोई मतलब नहीं है। बहुत चाहते हो ना तुम मुझे, हद से ज्यादा। तो अगर मुझसे ज्यादा अच्छाइयों और खूबियों वाली लड़की तुम्हारे सामने आ जाएगी तो क्या उसे चाहने लगोगे? नहीं ना, तो तुम भी सोने के भी बनकर आ जाओ, मैं दिल में तुम्हें जगह नहीं दे सकती, क्योंकि वो पहले से किसी और की है। हाँ, मजबूरन तुमसे शादी जरूर कर सकती हूँ। तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है, अगर मैं नहीं तो कोई और भी नहीं। आवाज ऊंची कर लेने से तुम मेरा दिल खाली नहीं करा सकते। ये वो वाहिद मिलकियत है जिस पर से कब्जा ना तो तुम ताकत के बल पर छुड़वा सकते हो और ना ही जबरदस्ती। झूठ बोल रही हो, कोई नहीं तुम्हारी जिंदगी में। तुम पर साबित करके मुझे क्या मिलेगा? कौन सा तुम मर्द बनकर हमारे दरमियान से निकल जाओगे? कौन सा तुम्हें गैरत आ जाएगी कि किसी और की मोहब्बत को अपना रहे हो? मैं उससे शादी करने वाली थी, अगर तुम मेरी जिंदगी में उथल पुथल ना करते। मैं जानती हूं तुम मेरी उससे शादी कभी नहीं होने दोगे। इसलिए फिलहाल मैं अपनी हार तस्लीम करती हूँ। चलो, ये राउंड तुम जीत लो मुझसे शादी करके। फिलहाल राउंड, हाँ, मोहब्बत कभी मरती नहीं है। हाँ, दब जरूर जाती है कभी ना कभी, मैं सच कह रही हूँ मोहन, साफ साफ बता रही हूँ। दिल में मेरे हमेशा वही रहेगा, बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, चौकन्ना रहना होगा, मुकम्मल चौकीदारी करनी होगी तुम्हें मेरी, क्योंकि जिंदगी में जब भी वो मेरे मुकाबले आया, जब भी मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का मौका मिला, मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा। धमकी दे रही हो मुझे? तुम समझती हो मैं तुम्हारी इन बातों पे यकीन कर लूंगा? हाँ, तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुम ही अपने दिल की सुनते हो? मैं भी सर फिरी हूं, अगर दाव लगा तो तुम्हें तो क्या, तीन चार बच्चे भी हो चुके हैं, उनको भी छोड़कर भाग जाऊंगा। यहां बहुत चाहती हूँ उसे। हाँ, शादी करना चाहती हूँ उसे। हाँ, तुम्हें लगता है ये जान के मैं तुम्हारी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाऊंगा? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, क्योंकि ये काम कोई गैरतमंद मर्द ही कर सकता है। ये मत समझना गैरत और मर्दानगी के नाम पे तुम्हें छोड़ा है। मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसे ताने तुम जैसों पर बेअसर रहते हैं। मेरे दिल पे असर होता है तो सिर्फ दिल का, तुम्हारे दिल की खुशी कोई और है। मेरा दिल तुम्हारे दिल की बेहरमती कैसे कर सके? तो तुम मुझसे, हाँ,
मैं पीछे हटता हूं। जिंदगी में पहली बार अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेता हूं। नहीं आऊंगा तुम्हारे वास्ते। मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। तुम फिर कुछ ना कुछ करोगे। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए हार मानकर तुमसे शादी करी थी ताकि तुम मेरी माँ और बहन को सुकून से जिंदगी गुजारने दो और उसको भी कोई नुकसान ना पहुंचा। नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं डालूंगा रुकावट। शादी कर लो उससे। मैंने कहा ना, कैसे एतबार करूं? प्यार तो करती नहीं, ना करो, एतबार तो करो। इतना समझ ली रे, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ली रे। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, जाना है, डूब के जाना है। क्या बहुत चुप हो जब से निकल हुआ है? मैं तो कब से बोल रहा हूं, तुम सुन भी रही हो और इतरा भी रही हो, और आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज से पहले तो कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की। मैं तो करता रहता हूं। हाँ, लेकिन तुमने आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज इस मौके पे कोई दो अच्छे लफ्ज ही बोल दो। क्यों, तुम क्या लगते हो मेरे? पहले तुम्हारा आशिक था और अब तुम्हारा शोहर। तुमने कहना था जो भी वो सब कह दिया, जो सुनना था मुझको सुनाई तो दे। बहुत अच्छा है, तुम सबसे पहले मेरे दोस्त हो जो मेरी हर बात जानता है, जो मुझे समझता है बहुत अच्छी तरह। हमेशा मेरे दोस्त बन के रहना। Suits you.
क्या लेने आए हो मुझसे? जाओ, जाकर उसी के साथ बैठो ना। हीर, हीर, मैं उसके साथ नहीं बैठा था, वो मेरे साथ आके बैठी थी। तो तुम मना भी कर सकते थे। मैं कैसे मना करूं, क्लासरूम है। तो तुम कहीं और उठकर बैठ सकते थे। हाँ, पर हीर, यू नो दैट मैं पहले दिन से वहां बैठ रहा हूँ। और जो मैंने किया अंदर, जो मैंने किया उसके बाद लोग क्या सोचेंगे? एक दो लोग टॉन्ट कर रहे थे। तुम अभी तक यहाँ मेरे पास क्यों खड़े हो? जाओ, लोगों को कंफर्म हो जाएगा जमाल, फिर मजीद टॉन्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा जमाल जाओ, जाकर अपनी इज्जत बचाओ। जब कल तक लोग तुम्हें कीड़ा कीड़ा कहकर टॉन्ट मारे थे, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज लोग मेरा नाम ले रहे हैं तो तुम्हें अचानक से प्रॉब्लम होने लग गई है। तो कीड़ा नाम भी तुम्हें ही रखा है वैसे। You know what? I hate you. अच्छा, आइंदा से किसी को बैठने नहीं दूंगा। I promise. और अगर कोई मेरे साथ आकर बैठ गया तो? सर फाड़ दूंगा उसका। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. आप क्यों आ गए? मैं अम्मी के लिए चाय लेकर तो आ रही थी। अरे चाय पीने कौन कमबख्त आया है? हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हें देख सकें, तुम्हारे साथ बैठ सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। आप मरवाएंगे मुझे अरमान। क्यों? क्योंकि आपने सुना नहीं अभी अम्मी क्या कह रही थी। मैंने सुना, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। आप तो चाहते हैं कि मेरी अपनी ससुराल वालों के साथ सारे ताल्लुकात हमेशा खराब रहें। और जो आपने हमारा दिल खराब कर दिया उसका क्या? आपका कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं सुधर सकते। या रब, वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अगर मुझे यहाँ पर एक मिनट और लगाना तो अम्मी यहीं आ जाएंगे किचन में। ये हाथ इतनी आसानी से छोड़ने के लिए? अरमान, आप बिजनेस में ना बिल्कुल फजूल टाइम जाया कर रहे हैं अपना। आपको तो एक्टर होना चाहिए। तुम्हें मेरी मोहब्बत एक्टिंग लगती है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरमान, कैसे कर लेते हैं आप इतनी ओवर एक्टिंग? जैसे तुमसे मोहब्बत करने का कोई इलाज नहीं है ना तुम्हारे पास। मैं जा रही हूँ अम्मी के पास उनकी चाय लेके। आप यहाँ बैठ के दिल खोल के अपनी ओवर एक्टिंग कंप्लीट करें, ठीक है? सुन, बहुत प्यार करता हूँ। पता है मुझे। एक्टिंग नहीं करा। ये भी पता है मुझे। चाय ठंडी हो रही है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बल्कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जानते हो क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही दुनिया की सबसे हसीन चीज मेरी नजरों के सामने है। Not bad. चाय पी लो। Not bad. चलो अब जल्दी उठ जाओ, जहाजे को तैयार करने जाने। मैं कहीं नहीं जाऊं, मैं पास बैठूं थोड़ी देर। असलम, किसी लंबे टूर पर जा रहे हो? नहीं, आज ऑफिस से देर से आओगे? नहीं, वो कहीं आयशा ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट तो नहीं किया आज? शी इज जस्ट अ कुली। पर सुबह ही सुबह मुझे इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है यार? ऐसे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा।
चलो खड़े हो जाओ, चाय पियो, देर हो रही है। चल पहले हम दबाओ थोड़ा सा। असलान चलो खड़े हो, उठो। ओके। देर हो रही है ना। आदर कहाँ है? चाय पी लेना। हमारी फेवरेट आइसक्रीम लाया, अब तुम मुझे नफरत क्यों दिखा रही हो? अरमान क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है, अगर भी किसी ने देख लिया इस तरह तो। एक मीरा अपनी बीबी को आइसक्रीम नहीं खिला सकता। आकर बस एक एक बार। ओके 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 ओके। वाह भाभी आप भी खाएं ना आइसक्रीम। नो थैंक यू, एक्चुअली हम दोनों भी बाहर जा रहे हैं ना, तो आइसक्रीम भी खा लेंगे, मूवी भी देख लेंगे। अरे वाह, फरहान भाई को काम के अलावा कुछ और नहीं सूझा। वाह वाह तालियां। वो बहुत मैच्योर है ना, अब दूसरों की तरह हर वक्त रोमांस तो नहीं कर सकते। अरे भाभी ये जो रोमांस है ना, ये बड़ी किस्मत वाली औरतों को नसीब होता है। हर किसी औरत के बस की बात नहीं है रोमांस। लेट्स गो। ओके ब्रदर, टेक केयर। लेट्स गो। बाय भाभी। अरमान क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं? अरे ये भी तो इतने मीठे मीठे से तंस करती रहती हैं। उनकी आदत है। उनकी आदत नहीं है, मुझे तो लगता है अब इनकी नीयत ही खराब है। अरमान आप भी ना। आप भी ना, आपसे बहुत प्यार। तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई नेकी जरूर की होगी जिसका अजर मुझे अब मिल रहा है। कैसा अजर? ऐसा अजर। सोच लो, गुनाहों की सजा भी हो सकती है। नहीं हो सकती, इतनी हसीन थोड़ी होती है सजा, और अगर होती भी है तो कम से कम फिर उम्र भर तो चलनी चाहिए। कहीं थक तो नहीं जाओगे? क्यों तुम जब साथ होती हो नहीं। क्या हो गया, इतना प्यार क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए। नहीं ये तो okay, नहीं। जाता। समझ गई कि इतना प्यार क्यों आ रहा है आज। क्या समझ गए? शॉपिंग ज्यादा कर ली ना मैंने, खर्चा करा दिया ज्यादा। बस प्रॉमिस अब मैं कोई खर्चा नहीं कराऊंगी भाई, खुद कमाती हूँ, क्या हो गया, खुद ले सकती हूँ अपने लिए चीजें। नहीं तैयार हूँ, चलो मैं भी तैयार हूँ, बस मैं हो गई तैयार। यार तुम एक आवाज तो देते मुझे, अकेले ही भिर पड़े। सुनो अब तुम सोलो नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 50-50 समझे? और अगर ऐसा है तो आवाज देने की क्या जरूरत थी, खुद आ जाती? वैसे कैसे खुद आ जाती भाई, किसी की लड़ाई में घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना, फिर तुम मुझसे लड़ते आके। वैसे यार तुम अगर मुझे आवाज दे देते ना, एक दफा रूमी कहकर पुकार लेते ना, ऐसा स्लो मोशन में आना था मैंने। तुम्हारी सोच है उसकी खुशकिस्मती है कि मैं नहीं आई, वरना अपने पैरों पे वापस नहीं जाना था उसने। हो गया। ये क्या कर रही हो? पट्टी है और क्या है? क्यों? क्या मतलब? ठीक है। It's good? थोड़ा सा दर्द है, ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। Hey! सुनो लगाने दो ना, मैं शो ऑफ करूंगी ना कि देखो बॉय कैसा स्ट्रॉन्ग है। लड़ मर जाता है। शायद मैं अपना कार्ड भूल गई हूँ, मैं देखती हूँ मेरे पास कैश होगा। कोई नहीं रोजीना, तुम कार्ड घर भूल गई हो तो मैं दे देता हूँ। तो मेरा बिल आप पे करेंगे शाम?
हाँ रोजीना, इट्स ओके, वी आर टुगेदर, तो खैर मैं दे देता। तो फिर आप एक काम करें, आपके मेन्यू में जो कुछ है वो सब ऑर्डर कर दें मेरे लिए। इसके अलावा आप मेरे लिए एक स्टेक कर दें, एक चॉकलेट ड्रिंक कर दें, सैंडविच कर दें, सारी मील्स को एक्स्ट्रा लार्ज कर दें, और चॉकलेट ड्रिंक में आप एक्स्ट्रा क्रीम डालेंगे। और हाँ, नीचे मेरा ड्राइवर बैठा है, वो जो भी बोलेगा आप उसको वो खाना दे देंगे, बिकॉज मुझे पता नहीं वो खाता क्या, उसे भेजती हूँ ऊपर अभी, ठीक है? मम्मी डैडी के लिए भी करवा लेते। That's a good idea. हाँ। दो सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज। Yes. क्या हुआ, आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? तो सारा खाना कौन खाएगा? Really? I don't know. जल्दी करो यार। Such a long story. आप family raised by my grandparents actually. चचा हैं, साउथ अफ्रीका में। कजन से कभी कभी बात होती है, दोस्त हैं थोड़े लिमिटेड, लेकिन पागल हैं सारे। बाकी घरों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। बाकी कभी भी इस तरह से किसी स्ट्रेंजर के ऊपर इतना खर्चा नहीं किया, मतलब इतना बिल नहीं दिया। We're not strangers. By the way, परी हाँ। रोजीना भी अच्छा लग रहा था। अज़लान, ये वाकई पूरा आप खाएंगी?